हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर गेस्ट लेक्चरर शमीरा खातून एंड दिस इज़ योर चैनल डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ आगे भी आप लोग के लिए लाती रहूँ। तो आज हम लोग जाइट्री क्रशर के बारे में देखेंगे कि जाइट्री क्रशर कैसे काम करता है और उसके इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स कौन से हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये जाइट्री क्रशर का फिगर है। ये जो साइड वॉल है जिसको हम केसिंग कह रहे हैं, तो ये आपको इसका शेप दिख रहा है, ये फनल शेप में है। ठीक है, तो जो केसिंग है ये फनल शेप में है, ऊपर से यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से हम फीड डालते हैं, फीड डालते हैं। ये जो आपको दिख रहा है वी शेप में, ये क्या है, यहाँ पे सॉलिड आपका आएगा, कंप्रेशन होगा, दबेगा, फिर टूट के आपका नीचे चला जाएगा। मिनिमम साइज से आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, मैक्सिमम साइज से आपको जो टुकड़े बड़े हैं उनको यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो क्रशिंग हेड है, ये जो क्रशिंग हेड है ये इसका ही मेन इम्पॉर्टेंट काम है। इसी के बेस पे हम इसकी स्पीड डिसाइड करते हैं, जायरेशन पर मिनट बोलते हैं जिसे। अब जायरेशन पर मिनट क्या होता है, ये खुद तो ऐसे ऐसे घूमेगा ही, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, रोटेशन कर रहा होगा, साथ में ये ऐसे ऐसे भी मूव करेगा। जब ये ऐसे ऐसे भी मूव करे और खुद से भी रोटेट करे तो हम इसको जायरेशन पर मिनट कहते हैं। तो जाइट्री क्रशर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ये किसके कॉन्सेप्ट पे, यानी इसका प्रिंसिपल क्या है, कंप्रेशन के ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसका फनल शेप केसिंग होता है, ओपन एट द टॉप यानी ऊपर से ओपन है जहाँ से हम फीड डाल रहे हैं। कोनिकल क्रशिंग हेड है इसका, जायरेट्स इनसाइड अ केसिंग, इट्स कॉट इन वी शेप स्पेस, और जो सॉलिड है वो वी शेप में जाके ही फंसते हैं, फिर उससे कंप्रेस होके टूट के नीचे जाते हैं और मिनिमम स्पेसिंग से आपको आपको डिस्चार्ज जाता है। द स्पीड ऑफ क्रशिंग हेड यूजुअली लाइज बिटवीन 125 टू 425 जायरेशन पर मिनट, यानी जो जायरेशन पर मिनट है वो कितना है, 125 से लेकर 425 जायरेशन पर मिनट है। अब दो क्रशर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जॉ क्रशर और जाइट्री क्रशर, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। जो जॉ क्रशर है वो रेसिप्रोकेटिंग मशीन है, क्योंकि उसमें मूवमेंट कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो ये रेसिप्रोकेटिंग मशीन ही हुई। और जाइट्री में क्या होता है, जायरेटरी मोशन होता है, जायरेटरी मोशन मतलब खुद भी ऐसे ऐसे घूम रहा है और साथ में ऐसे ऐसे भी घूम रहा है। इंटरमिटेंट इन द एक्शन यानी जो इसका डिस्चार्ज है वो डिसकंटिन्यूअस है, और जाइट्री में क्या है, इसमें जो कंटिन्यूअसली हमें डिस्चार्ज मिलता रहता है। जॉ क्रशर आपका प्राइमरी क्रशर में आएगा क्योंकि फीड लार्ज साइज में होते हैं, और सेकेंडरी क्रशर आपका इस कौन सा होगा, जाइट्री क्रशर होगा क्योंकि इसमें जो फीड आता है वो स्मॉलर साइज का आता है। जॉ क्रशर में आपको मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करना पड़ता है और जाइट्री में लो मेंटेनेंस होता है। अब जॉ क्रशर में ज्यादा बड़े टुकड़े टूटते हैं तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो पावर कंजप्शन होगा वो मोर देन होगा, और जाइट्री क्रशर में ये आपका पावर कंजप्शन लेस होगा। जॉ क्रशर में स्मॉलर कैपेसिटी होती है और कैपिटल कॉस्ट लो होती है, और जाइट्री क्रशर में लार्ज कैपेसिटी होती है और कैपिटल कॉस्ट हाई होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।